जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। आज इस वीडियो में दोस्त हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में देखेंगे। तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार की आकृति ज्यामितीय है, वह आकृति किस तरह है तो आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल ये देखिए पहले वाला डाटा है, अब नया वाला डाटा जो आया है उसको देख लीजिएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देखिए किताब में दिया है 13, लेकिन यह यूट्यूब पे बता रहा है कि 12वां स्थान है, इसको भी थोड़ा आप लोग मिला लीजिएगा। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का 3रा स्थान है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 345 किलोमीटर की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 483 किलोमीटर है। अब देखेंगे जनसंख्या में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार में पश्चिम चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। अब देखिए भारत में साक्षरता दर बहुत कम, न्यूनतम साक्षरता वाला जो है वो कौन है, बिहार है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। अब यहाँ बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है वह 118 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय पार्क एक है बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का पूछेगा तो किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला बिहार में औरंगाबाद है, सर्वाधिक गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला भी गया है। इस तरह का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 ज़िला है और 38वां ज़िला कौन बना था, 38वां ज़िला के रूप में जो बना था वह बना है अरवल। यह ध्यान रखिएगा, अरवल जो था बिहार का 38वां ज़िला है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। कितना अनुमंडल है बिहार में, 101 अनुमंडल है। बिहार में परमंडलों की संख्या 9 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या जो है वह 40 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट वह 2 है। उसके बाद देखेंगे कि कहता है कि बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार से लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट 6 हैं। बिहार का 100 किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। इसके बाद देखेंगे बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में, राजकीय वृक्ष हो गया पीपल, राजकीय चिन्ह बोध वृक्ष उसे पीपल का वृक्ष कहते हैं, राजकीय पशु बैल हो गया, राजकीय पक्षी गरैया है और बिहार का जो राजकीय पुष्प है वह गेंदा है, राजकीय मछली कहेगा तो देसी मांगुर। भौगोलिक क्षेत्र में भी आप लोग इसको देख सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्र है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहार से जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1936 को।
और यहाँ देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो दोस्त आप लोगों को यदि इस तरह का वीडियो चाहिए तो एक मेरा चैनल है VMC मैथ, और एक बार आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए पूरा वीडियो बना के इस VMC मैथ YouTube चैनल पर दे देंगे। बस दोस्त एक शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो और एक लाइक कर दीजिए माय डियर फ्रेंड।